नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एनसीपी के अजित पवार एनडीए में शामिल हो गए हैं और उनके साथ 9 विधायक भी हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और उनके 9 विधायकों ने मंत्रिमंडल की शपथ ली। अजीत की बगावत पर तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा है, जो विपक्ष मोदी को 24 में रोकने के लिए साथ आने की बात कर रहा था, वो अब खुद बिखरा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के अगुवाई वाले गठबंधन यानी कि एनडीए का दामन थामकर अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अब सवाल ये उठने लगे कि क्या हर बार की तरह एनसीपी में अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा या इस बार अजीत पवार की घर वापसी मुश्किल होगी। दरअसल एनसीपी में लंबे समय से मतभेदों की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अजीत पवार और शरद पवार इन्हें केवल अफवाहों का नाम देकर पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे थे। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में खेला हो गया। महाराष्ट्र में उठे सियासी तूफान के काले बादल विपक्षी एकता पर मंडराने लगे हैं। एक तरफ सभी विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एकजुट होने का प्रयास कर रही, वहीं इन सब के विपक्ष के महागठबंधन के सूत्रधार माने जा रहे शरद पवार के कुनबे में फूट पड़ गई है। उनके भतीजे और एनसी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार बगावत कर चुके हैं। वह पार्टी के कई विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार ने रविवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेने के साथ ही एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नाते हमने ये फैसला लिया है, सभी विधायक हमारे साथ हैं, पार्टी के सांसद हमारे साथ हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हमने एनसीपी पार्टी के साथ इस सरकार का समर्थन किया है। हम सभी चुनाव एनसीपी के नाम पर ही लड़ेंगे। एनसीपी में हुई इस बगावत के बाद महाराष्ट्र में विपक्षी एकता को लेकर तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्षी दलों की बैठक और कांग्रेस का समर्थन करने को ही एनसीपी के विद्रोह का कारण बताया जा रहा है। चर्चा है कि शरद पवार के राहुल गांधी के साथ जाने की वजह से अजीत पवार और एनसीपी के दूसरे नेता नाराज थे। इसी वजह से अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी के नेता बीजेपी के साथ जाने को राजी हुए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अजीत पवार और एनसीपी के अधिकतर नेता पहले से ही महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार को समर्थन देना चाहते थे, लेकिन इसके लिए शरद पवार की मंजूरी जरूरी थी। ये भी चर्चा है कि कई एनसीपी नेता नहीं चाहते कि राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की ओर से पीएम उम्मीदवार बने। इन वजहों से ही एनसीपी में बगावत हुई। अखिलेश यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। जो महाराष्ट्र में हो रहा है और मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है, सत्ता में बने रहना है। चाहे गरीब, किसान, वंचित, शोषित, पिछड़े, बहुजन, कहीं उनको स्थान न मिले, लेकिन उन्हें स्थान सत्ता का मिलना चाहिए। मैंने आपसे कहा, देखिए यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। एनसीपी का अजित पवार डिप्टी सीएम बने, 9 विधायक मंत्री बने। अब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि जो नरेंद्र मोदी का 2024 का विजयी रथ रोकने की बात करता है, वो खुद एकजुट दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे मोदी के विजय रथ को ये विपक्ष 2024 में देख पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट इंडिया वॉइस। तो महाराष्ट्र में आज खेला हो गया। जिस प्रकार आज महाराष्ट्र में देखा गया सुपर संडे रहा और वहां की राजनीति आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अजीत पवार एनसीपी के थे और एनडीए में शामिल हो गए हैं और डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। उनके साथ 9 विधायकों ने शिंदे गुट में आज शामिल हो गए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पवन गोयल नेता बीजेपी, हमारे साथ फिरोज खान नेता कांग्रेस, हमारे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार और हमारे साथ मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले पवन जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आप तो एनडीए में, आपका जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अजीत पवार आ गए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कितनी खुशी की बात है आपके लिए? बिल्कुल खुशी की बात है। अजीत पवार महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, राजनीति को बड़े बारीकी से समझते हैं और महाराष्ट्र के विकास के लिए जिस तरीके से पहले तीन पार्टियां सरकार चला रही थी, एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, उनसे बेहतर अब ये काम होगा। विकास का काम जिस तरीके से पहले तीन सालों में उन्होंने किया, उससे ज्यादा तेज रफ्तार शिंदे सरकार ने पकड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ी है। अब और मजबूती मिलेगी, इस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को और विकास देखने को मिलेगा। अच्छा, लेकिन सर मैं आप सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि मोदी जी ने अभी अजीत पवार की पत्नी पर जांच की बात कही थी। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र स्टेट सहकारी घोटाले को लेकर और सिंचाई घोटाले को लेकर, अब एनडीए में वो आ गए हैं, अब वो साफ हो गए हैं, अब जांच होगी कि नहीं होगी? जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जांच का विषय होगा, जांच तो चलती रहेगी भी, जांच एजेंसी तो अपना काम कर ही रही है। अच्छा जी, मतलब जांच होती रहेगी, अब वो साफ हो गए हैं। हमारे साथ फिरोज जी जुड़े हैं। आप बात को घुमा के मत बोले चौहान साहब, मैंने भाजपा ने या भाजपा के प्रवक्ता ने या भाजपा के कार्यकर्ता ने एक बार भी नहीं कहा कि जो मोदी जी ने कहा है वो गलत है या वो साफ हो गया। नहीं, मैं सर ये नहीं बोल रहा, बात को घुमा के नहीं बोल रहा, मैं साफ साफ ये पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार से अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा, जिन पर ईडी जांच कर रही थी, दायरे में थी, और मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र स्टेट सहकारी घोटाला और सिंचाई घोटाले पर आरोप थे उनके ऊपर, अब वो सारे साफ हो गए। मतलब ये जो लोग हैं इनके ऊपर कोई आरोप नहीं, अब आपकी पार्टी में आ गए हैं, अब कोई भी आरोप नहीं। ये तो स्टेटमेंट आपकी है ना, भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट है ये? नहीं, मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा सर जी। मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा, सबको पता है कि स्टेटमेंट क्या हुआ था। अब जांच हो रही है, मतलब ऐसे जिस पर शक होता था तो आप लोग तमाम सवाल उठाते थे, अब इन पर कोई सवाल नहीं उठेगा ना सर? फिरोजी आप सुन रहे होंगे ना? फिरोजी आवाज जा रही है मेरी आपकी? आवाज आ रही है। फिरोजी सवाल आपका, 2024 में मोदी जी को रोकने के लिए आपने बहुत सारी रणनीति बनाई थी और एक मीटिंग भी की थी विपक्ष की पटना में, बिहार में, अब आपका ही जिस प्रकार से दे रहा है, विपक्ष टूटा हुआ नजर आ रहा है, कैसे रोकेंगे मोदी जी का रथ? सबसे पहले तो मैं सुनील जी, मैं कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र में जो एनसीपी के विधायक टूट के गए हैं अभी बीजेपी में, अलग से जो पार्टी बोल रहे हैं एनसीपी हमारे साथ रहेगी, यही अजीत पवार जी हैं जिन्होंने 2019 में या 20 में जो सुबह सुबह 5 बजे सरकार बनाया था और 3 दिन में अपना पूरा घोटाला का क्लीन चीट सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद फिर भाग के चले आया महागाड़ी विकास गाड़ी में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये ईडी की सरकार बन रही है, ईडी की सरकार है ना, बीजेपी गठबंधन है ना, शिंदे की सरकार है। आज अजीत पवार हो चाहे छगन भुजबल, ईडी केस में 2.5 साल तक जेल में रह करके आए हैं, फिर उनके पास तलवार लटक रही थी ईडी की, छगन भुजबल के ऊपर सर के ऊपर तलवार लटक रहा था ईडी का, कभी भी इनको जेल जाना पड़ सकता है घोटाले के नाम पर। और अजीत पवार जी और उनके पत्नी के नाम पर भी ईडी का नोटिस जा चुका था कि आपको आना है, बताना है घोटाला का पैसा कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने किया है, पेयजल का और बहुत सारा घोटाला है। ये डर से ये लोग जो है ये डर से जा रहे हैं बीजेपी में, और ईडी का सिर्फ जो आज ये लोग जो तीनों आदमी चले गए, छगन भुजबल, अजीत पवार और एक और जो है आपके मंत्री बने, तीनों का क्या कोई जांच नहीं होगा, सब जांच बंद हो जाएगा। ये जांच 2024 में डरी हुई थी, 2024 40 लोकसभा सीट है महाराष्ट्र में, 40 में 38 लोकसभा सीट महाविकास अघाड़ी जीत रही थी, तो बीजेपी ने सर्वे कराया, जो बीजेपी ने अपने लोगों से पूछा, 40 में 38 सीट महाविकास अघाड़ी महागठबंधन जीत रहा था, इसी के डर से लोग रातों रात जो है ईडी का डर दिखा के भय दिखा के अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया, छगन भुजबल को मंत्री बना दिया और नौ मंत्री पद का शपथ लिया गया। मैं शिंदे जी से पूछना चाहता हूँ जो शिवसेना से अलग होकर पार्टी बनाए थे, जिन्होंने अपने विधायकों को वादा किया था कि मैं आप सबको मंत्री बनाऊंगा, आप कहां से वो मंत्री बनाएंगे, सबको ठेंगा मिलेगा, बस बीजेपी वालों ने बेवकूफ बनाने का काम किया है शिवसेना को छोड़ करके। आप देखिएगा पूरा क्लीन चिट जब इन तीनों को मिल जाएगा, छगन भुजबल को, अजीत पवार को और मंत्री को, तो सब फिर से भाग करके बोले हम महाविकास अघाड़ी में रहेंगे, हमारा जो काम निकल गया, काम बन गया, ये मिला जुला के बीजेपी वालों को धोखा देने का काम कर रहे हैं।
अभी क्या बोलते हैं, हम शिवसेना जी वाले बोलते हैं कि हम शिवसेना के नाम पर चलाएंगे, आप अजीत पवार बोलते हैं कि एनसीपी को हम चलाएंगे, आप क्यों नहीं विलय कर ले रहे हैं बीजेपी में? बीजेपी में विलय होगा, इसमें विलय नहीं कर रहा है, जब देखेंगे यहाँ पर बात नहीं बना तो दूसरा पाला में जाकर भाग जाएंगे। विलय को वजह नहीं है और एनसीपी के नेता शरद पवार जी थे हैं और रहेंगे। और महागठबंधन का जो पटना में जो अभी एक महागठबंधन का बैठक हुआ, अभी शिमला में होने वाला है, उससे बौखला करके क्योंकि 3% वोट जो है, 3% वोट इधर उधर अगर होता है तो सरकार केंद्र मंत्री बनी हो जाती है, लेकिन महागठबंधन जो है 15% वोट को स्विंग कर रहा है बीजेपी का महागठबंधन की तरफ। इसीलिए मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, योगी जी हो, जितने जी है सब घबरा गए, बौखला गए हैं, ये लोग महागठबंधन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन टूटने वाला नहीं है। कर्नाटक में देखिएगा आप किस तरह सरकार बनी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी, ये मुझे पूरा वादा है, यकीन है, मैं जानता हूँ, मैं भी बहुत प्रदेश घूमा हूँ, अभी अहमदाबाद से आया हूँ, राजस्थान से आया हूँ, कर्नाटक से आया हूँ, मुंबई से आया हूँ, ठीक है फिरोज जी, ठीक है मैं पवन जी से जी फिरोज जी मैं पवन जी से जवाब लेता हूँ, ठीक है पवन जी आपने सुना फिरोज जी को? जी बिल्कुल सुना, जवाब दीजिए सर जी। देखिए फिरोज जी का दर्द स्वाभाविक है, अब एनसीपी के कुछ गद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार के साथ जुड़ गए, शामिल हो गए, तो कितनी दिक्कत हो रही है। अब महाभारत में चक्रव्यूह की रचना हुई थी कि अभिमन्यु को ऐसे भेजा जाएगा, उसी तरीके से वो जो महाभारत का चक्रव्यूह था ना 23 जून को बिहार में रचा गया था, उसके अंदर वो सारी पार्टियां शामिल हो गई जो एक दूसरे को दिन रात भ्रष्टाचारी, चोर, बेईमान, धोखेबाज, परिवारवाद कहती थी। उनके नाम बता देता हूं, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, ममता पार्टी, जेडीयू, आरजेडी और न जाने कौन कौन, आम आदमी पार्टी भी उसमें शामिल थी। ये सारी पार्टियां अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कहती थी और अपने अपने दम पे लड़ने के लिए चैलेंज करती थी, लेकिन इनको मोदी जी का डर इतना लगा कि चोर चोर मुसेरे भाई हो गए। और उस चक्रव्यूह की रचना को अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है तो अगर कुछ नेता आ रहे हैं तो दिक्कत है, और ये सारी पार्टियां मिल रही है तो सही है। आप ये देखिए सुनील जी, अगर सारा विपक्ष एक साथ हो सकता है तब तो ये अप्लाई होता है रूल, ये ईमानदारी का रूल है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ, शिंदे सरकार के साथ कुछ गद्दावर नेता जुड़ते हैं तो ये गलत है। आपके सामने गद्दावर नेता नहीं, भ्रष्टाचार नेता बोलिए, घोटालाबाज नेता बोलिए, मैं जवाब दूंगा इसका, आपको जवाब सुन लीजिए, बोलिए ना। हाँ बोल रहा हूँ इसका, आप कांग्रेस के, आप सुन लीजिए, जवाब सुनिए, अगर वो भ्रष्टाचारी नेता थे तो आपकी गठबंधन के साथ महागाड़ी में क्या कर रहे थे? इसका मतलब आप मानते हो वो भ्रष्टाचारी थे? अगर वो भ्रष्टाचारी ही थे तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं, आप जवाब सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। इसका मतलब इस नेशनल चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को मानते हैं कि ये भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, आज वो भ्रष्टाचारी हो गए, कल वो ईमानदार थे, देखिए कैसा दोहरा मानचित्र, ये दोहरा चरित्र तो है विपक्ष का, आज कुछ और कल कुछ और, कल ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे, आज भाजपा में मिलने के बाद ये बेईमानी का सर्टिफिकेट देते हैं, यही आपकी मानसिकता है। मैं तो अभी इससे पहले यही कह रहा था कि ये जो 11 के 11 विपक्षी दल थे, एक दूसरे को चोर, उचक्के, बेईमान, परिवारवाद कहते थे, और जब मिल गए तो ईमानदार हो गए। अभी इन्हीं दलों में से कोई टूटकर, जो चौहान साहब, मैं आपकी आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया वॉइस के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ, 23 जून को जितनी बैठकें हुई है, अगर एक पार्टी भी मिलकर भाजपा में चली गई ना, ये उसको भी बेईमान कहना शुरू कर देंगे, या भाजपा का सहयोगी दल बन गए तो उसको भी बेईमान कहना शुरू कर देंगे। इस बात का इनसे जवाब ले लीजिए कि आज कौन ईमानदार है और कल कौन बेईमान होगा। जी चौहान साहब बताइए कि क्या वॉशिंग मशीन में घुस गए वाले जिला मंत्री शपथ लिया है तो पहले बेईमान थे? आप ये मानते हो बेईमान थे जब आपके साथ थे, आप मानते हो? बीजेपी तो आम साहब आप ही पूछ लो ये सवाल, ये जवाब नहीं देंगे। भाजपा के लोग कौन सा भी टीचर पाउडर यूज करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, तो आप मानते हो ना वो बेईमान थे? नहीं कौन सा आप मानते हो ना बेईमान थे? अगर वो आज आप मानते हो ना, आप मानते हो कल उठी ईडी छापा मारेगा, 2.5 साल छगन मुजरा वजेल कितने में रखा, 2.5 साल तक, 2.5 साल तक छगन मुजरा जी ईडी के केस जेल में रहे हैं,
अरे डर से जाकर समर्थन किया मंत्री बने कि भाई डिप्टी में चल जाओ, मंत्री बन जाओ, और हमको कोई ईडी नहीं, कोई मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, मुझे भी मौका देना, कोई गुंडा नहीं, कोई मवाली नहीं, अब हमको राम राज में रहना है और रावण बनकर पूरा शहर को लूटना है। अब देख कितना घोटाला हो रहा है, आप लोग तो घोटाला कंपनी है पूरा, आपका आदमी करे तो सब कुछ ठीक है, दूसरा करे तो कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा आहा, यही है बीजेपी का। बीजेपी पीएचडी हासिल किए हुए झूठ बोलने में, आप भी बहुत अच्छा झूठ बोल रहे हैं। बोलिए पवन जी, बोलिए, इनको तो चुप कराइए, आप बोलिए सर, बैठे हुए हैं, ये सम्मानित चैनल है और आप बहुत प्यारा झूठ बोल रहे हैं, पूरे देश की जनता देख रही है जी, आपको देख रही है, जनता देश की देख रही है, ठीक है, आप मुझे बोले दीजिए जी, पवन जी बोलिए, हमें जाना मनीष जी के पास, इनको आप बोलिए, आपकी जिम्मेदारी बनते चौहान साहब, फिरोजी रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा सर, सर आपके पास आऊंगा, पवन जी को मौका दीजिए, फिर मुझे और गेस्ट के पास जाना है, मैं आपके पास भी आऊंगा जी, पवन जी मेरी, सुनील जी, फिरोज जी, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं नेशनल चैनल पे डिबेट को अच्छे से चलाऊं, वन बाय वन बोलेंगे तो डिबेट भी अच्छी होगी, सबकी बात समझ जी सर, अगर मैं कोई गलत बात, अगर मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ, जिनकी भी बारी आए मेरी बात की कड़ी निंदा कीजिए और काउंटर कीजिए, लेकिन अपनी बारी पे मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ, 10 सवाल पूछोगे 11 के जवाब दूंगा, फिरोज गांधी जी शांत रहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, अभी ये वॉशिंग मशीन कह रहे हैं, उन्हीं नेताओं को, उन्हीं नेताओं को बेईमान बता रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं 2.5 साल से चोर थे, उन्हीं पे करोड़ों के आरोप थे, तो मेरा सवाल ये है कि जब वो इतने ही बेईमान थे, इतने ही भ्रष्टाचारी थे, इतने ही चोर उचक्के थे, तो फिर आपने इनके साथ सरकार क्यों बना रखी थी, क्यों एनसीपी ने अपने नेताओं के साथ रखा हुआ था, क्यों महा अगाड़ी गठबंधन ने इनके साथ गठबंधन किया हुआ था, इस प्रश्न तो सबसे पहले आपके ऊपर उठता है, इसका जवाब दीजिए, फिर मेरे से जवाब लेना, इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी थे जो भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए थे जी, ठीक है, तो ठीक है, बीजेपी ईडी किसका अधीन है, ईडी जो है केंद्र सरकार का अंडर में आता है, ठीक है, ठीक है फिरोज जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे मनीष जी के पास भी जाना है, शरण जी के पास भी जाना है सर, ठीक है सर, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास सर, आपके पास आऊंगा, मेरे पास मनीष जी भी हैं और शरण जी हैं, शरण जी जो आज महाराष्ट्र में हुआ उसके सियासी मायने क्या लगाए जाए, मनीष जी मेरी आवाज आपको मिल रही है सर, ये प्रश्न आपका मेरे से है या शरण जी से, मेरा सवाल मनीष जी आपसे, उसके बाद मैं शरण जी के पास जाऊंगा, मनीष जी सवाल मेरा आपसे, जो आज महाराष्ट्र में हुआ उसके सियासी मायने क्या लगाए जाए, किस प्रकार से आप देखते हैं, देखिए इसके मल्टीपल शेड्स हैं, अब पार्टी वाइज इसकी चर्चा करते इससे क्या इम्पैक्ट, पहली बात ये ऑब्वियस है कि जब जिस तरीके से अजीत पवार जी ने छठवीं बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली है तो ये बात तो तय हो गई कि वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से उनका पुराना अनुराग है इसलिए वो उनके साथ चले गए, जाहिर है इससे बीजेपी के कदम मजबूत होंगे और एनसीपी का बड़ा गठबंधन बीजेपी के साथ आने से कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका है, जहां शरद पवार जी को राजनीति का भीष्म पितामह, राजनीति का चाणक्य और जाने क्या क्या कहा जा रहा था, आज उनको देवेंद्र फडणवीस जैसे कम अनुभव, उनके मुकाबले आधे अनुभव वाले नेता ने उन्हें जी। जो पटकरी दी है उन्होंने अपना स्कोर बराबर कर लिया है, एक एक से बराबरी पर अब देवेंद्र जी चल रहे, तो सबसे पहली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा लाभ, विपक्षी एकता को बड़ी चोट, शरद पवार के जीवन की अब तक की सबसे बड़ी चोट में से एक है, इससे पहले भी उन्हें एक बड़ी चोट लगी थी लेकिन यह भी इतनी ही बड़ी चोट है क्योंकि इस बार का जो भीतरघात हुआ है वो अपने परिवार से हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़कर अपने भतीजे को साइड कर अपनी बेटी को, जैसे कहते ना संतान मोह पुत्री मोह में लीन होकर अपनी बेटी को सत्ता सौंपने की सोची, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट ये निकला है। अब आते हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस पर, देखिए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों पर इसका बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, देखिए जिस तरीके से जो एनसीपी और इसका जो भी फैक्शन है राहुल गांधी की उम्मीदवारी को विरोध करते हुए ये लोग बदले हैं, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि बतौर प्रधानमंत्री राहुल गांधी की उम्मीदवारी उनको मंजूर नहीं है, ये एक बड़ी सीरियस बात है,
इसका मतलब है अगर नीतीश कुमार की उम्मीदवार होती तो शायद वो हो जाते। क्या इस बात के ये मायने नहीं लगाए जाने चाहिए कि कहीं ना कहीं शरद पवार भी अंदर से ये चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बने, शरद पवार भी ये भी चाहते कि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री ना बने, तो कौन बने? शरद पवार के जीवन की एक ही तो इच्छा बची है, जो वो इस जीवन में पूरी कर लेना चाहते हैं, वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का बढ़ता कद, ऐसे में राहुल गांधी के नाम पर हो रही विपक्षी एकता की डील उनको कहां सुहाएगी? इस बात की क्या गारंटी है कि दो मुही चाल चलने वाले देश के जाने माने नेता शरद पवार इस बार दो मुही चाल नहीं चल रहे? क्या हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस एक एंगल पर खेल रहे हो और दूसरे एंगल पर मोदी जी के साथ शरद पवार की मित्रता अंतरंग चालू हो कि भाई आप एक काम करिए, पार्टी का समर्थन ले लीजिए, मैं इनडायरेक्टली पार्टी को छोड़ दूंगा, मेरी बेटी की चिंता करना आपका काम है और विपक्षी एकता का हालचाल मैं आपको बताता चलूंगा और दाहे दबाए इसको तोड़ता चलूंगा, मुझे एक मिनट और दे दीजिए। तो ऐसे में अगर इस एंगल को ध्यान रखें तो बड़ी समस्या होती। इन सबके अलावा एक और एंगल है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता में एकनाथ शिंदे का जो रोल बड़ा था, जिसमें भाजपा छोटे भाई बन गई थी बावजूद इसके कि सारी मेहनत ज्यादा एफर्ट्स रिसोर्स सब उनके थे, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे निरंकुश ना हो जाए इसलिए उनका एक बैकअप क्रिएट कर दिया गया अजीत पवार के नाम पर, कि अगर आज एकनाथ शिंदे कोई आंखें दिखाते हैं या परेशान करेंगे तो उनका भी बैकअप मौजूद है। ठीक है सर, अमित शाह जी इस तरह की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। शरण जी, सेम सवाल आपसे यही है कि जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र में देखा गया, आगे क्या इसके मायने लगाए जाएं, और अगर ऐसा रहा तो 2024 में ये विपक्ष नरेंद्र मोदी के वज्ररथ को रोकने की बात करता है तो कैसे रोकेगा? और एक सवाल मैं आपसे इसमें और ऐड करना चाहता हूं, जिस प्रकार से देखा जाए शरद पवार बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इस प्रकार से अजीत पवार ने चोट दी है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ भाई ने बहुत ही अच्छे से इसकी मीमांसा की है और कई बातें हैं। ये तो चौंकाने वाला ये था, इससे शरद पवार की पार्टी में इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी कर जाता है तो वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। लेकिन ये भी सोचना होगा कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। शरद पवार जी भले ही बहुत ही पुराने वरिष्ठ नेता रहे हो, लेकिन वो भी कभी पार्टी इसी तरह तोड़ करके कांग्रेस को अलग से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी लोगों ने, बाद में उसमें विलय कर लिया था, फिर अलग से एनसीपी का गठन किया उन्होंने उसी के बल पर, आज उसी की पुनरावृत्ति इनडायरेक्ट उनके साथ हुई है ऐसा लगता है, एक बात। दूसरी चीज, जहां पर भी सार्वजनिक कार्यों में राजनीति में परिवारवाद आएगा तो आगे चलकर उसका यही असर होगा। लोकतंत्र की जो स्थापना की गई है उसमें जो ये कहा गया कोई ब्लड रिलेटिव जो होगा उसको ही हम बिल्कुल हर पद पे नहीं रखेंगे, उसके पीछे कारण यही है कि सबको जोड़िए और सब लोग उससे अलग भी रहें, सबको समान अवसर प्राप्त हो। जब यहाँ पर उनकी एक कोशिश अब जाकर उम्र के इस पड़ाव पर ये हुई कि सत्ता और सत्ता का केंद्र उनके परिवार में, उनके खून में, उनकी बेटी में ही निहित हो, तो निश्चित रूप से इनसे भी वही कार्य कराया गया, प्रकट नहीं कराया, जो बाल ठाकरे साहब से कराया गया था या जो मुलायम सिंह यादव जी से कराया गया था। वो सब कुछ जानते चाहते हुए भी वो उन लोगों को आगे नहीं कर पाए जिन लोगों को आगे कर सकते थे, या जो बाकी लोग थे उनके अंदर एक बोड़ मच गई कि नेतृत्व तो हम करें। जैसा कि राजनीति विशेषज्ञ भाई ने कहा, कोई गारंटी नहीं है कि शरद पवार जी के अंदर से इसमें सहमति हो, इस आधार पर कि उनके पार्टी के जो नेता थे अधिकतर जो इसमें शामिल हुए हैं उन सब के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार बीजेपी लगाती आ रही थी बहुत कायदे से। आपके फडणवीस जी चक्की पीसिंग का बड़ा ही पॉपुलर वो उन्होंने स्पीच दिया था 2014 के चुनाव में, और ये अभी
मोदी जी ने भी इसका जिक्र किया था कि कोऑपरेटिव में बहुत बड़ा घोटाला एनसीपी ने किया है, कहीं न कहीं से उनके ऊपर यह दबाव भी था, इनको मालूम था हम बच नहीं पा रहे, इसलिए कहीं न कहीं से पवार जी ने कहा होगा कि बच सको तो बच लो यार, चले जाओ उधर, हम तो नहीं कहेंगे क्यों, क्योंकि लेकिन शलन जी इसमें ये भी था कि जिस प्रकार से देखा गया कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया था प्रफुल्ल पटेल को और सुप्रिया सूले को, तो कहीं ना कहीं अजीत आवाज मिल रही सर मेरी आपको, तो कहीं ना कहीं उनके मन में दर्द रहा हो कि उनको किनारे किया जा रहा हो, ऐसा भी दर्द देखा जा सकता था। प्रफुल्ल पटेल का वहां पर उनके साथ बगलगीर होना यह और छगन भुजबल का होना यही संदेह पैदा करता और कुछ नहीं। देखिए हम लोग भी इतने राजनीतिज्ञों को देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, राजनीति में बेईमानी नहीं होती है तो मान लीजिए, सबसे ईमानदारी का काम इसमें होता है। एक बार अगर वादा कर लिया कि आपको मंत्री बनाएंगे तो बनाएंगे, भले आज नहीं कुछ समय बाद बनाएंगे, बोल दिया टिकट देंगे तो देंगे, बोल दिया पार्टी छोड़ के हमारे साथ आ जाओ हम फला पद दे देंगे तो दे देते हैं, ये वास्तविकता है। हाँ ये अलग बात है वो आगे बढ़ बढ़ करके हर चीज में आश्वासन देते हैं पॉजिटिविटी के साथ, क्यों, क्योंकि उनको मालूम है जब हम कानून बना सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो हर चीज में अफर्मेटिव सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए वादा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो कहते हैं उसको भी करने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसे में अजीत पवार का जाना, उसमें प्रफुल्ल पटेल का वहां पर आगे आगे रहना, बगल में छगन भुजबल का रहना, ये दोनों बहुत ही करीबी और विश्वसनीय है, इनके लिए पद इतना और इस तरह की पार्टी में सत्ता इतनी मायने नहीं रखती जितने मायने ये, उनके खिलाफ प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जो जांच चल रही थी एविएशन वाली, और छगन भुजबल भी जेल से निकल के आए थे, इनको से बचने का सहारा चाहिए था। शरद पवार एक अच्छे मित्र संरक्षक गाइड होने के नाते उन्होंने कहा होगा जाओ बस सबको बच लो आगे देख लेंगे, क्योंकि अगर मोदी जी वापिस आ गए तब तो इनके मुकदमे खत्म, अगर वापिस नहीं आए दूसरी सरकार आई तो शरद पवार जी तो इधर आई है। जवाब लेता हूँ पवन जी से, मैं जवाब लेता हूँ इसी बात का, पवन जी सुना आपने जी, बचने के लिए दामन थामा एनडीए का, किसने दामन थामा एनडीए का, बचने के लिए दामन थामा है शलन जी ने कहा, आज जो देखा गया अजीत पवार और जो नौ विधायक शामिल हुए हैं कहीं ना कहीं ईडी का डर था उनके अंदर। अच्छा शलन जी को आपने सुना नहीं सर, क्या लगता है आप प्रश्न करो मैं जवाब दूंगा ना आपको सीधा। अच्छा मेरा सवाल यही तो सर आपसे है, हाँ तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ जी सर बोलिए। आपने कहा कि एनडीए का थामन इसलिए थामा है कि अजीत पवार एंड जो उसके नौ विधायक है सबके पास सीएम और ईडी का शिकंजा था, तो इसका मतलब सारा जो विपक्ष है वो इन्हें भ्रष्टाचारी मानता है क्या, और अगर भ्रष्टाचारी मानता है तो फिर उन्होंने सरकार में क्यों रखा हुआ था। दूसरी बात, सीबीआई और ईडी देश की सुरक्षा जांच एजेंसी है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता 36 के 36 राज्यों के अंदर तो सीएम नहीं है, 14 या 15 राज्यों के अंदर उनके सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आधे से ज्यादा राज्यों में चाहे वो केंद्र शासित हो या पूर्ण राज्य हो उनमें विपक्षी सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बेईमान नेता हैं आप उन्हें जेल में डाल दीजिए ना, जितने भी भ्रष्टाचारी आप क्यों नहीं करते, आपके पास पुलिस है, आप एसीबी है, आपके पास अपनी जांच एजेंसी है, आपके पास हिमाचल में है, कर्नाटक में है, आपके पास राजस्थान के अंदर है, आपके बीच में नहीं बोलो ना खान साहब, फिरोज गांधी जी शांत रहिए आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इतने सारे राज्य हैं इनके पास, ये क्यों नहीं करते भारतीय जनता पार्टी पे के नेताओं पे भ्रष्टाचारियों पे, क्योंकि भ्रष्टाचारी का एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे इनके पास आरोप नहीं है। ये तो ये भी कहते हैं चौकीदार चोर है लेकिन प्रूफ कोई नहीं है, ये तो ये भी कहते हैं अडानी को बेच दिया, अरे अडानी को क्या बेच दिया, कितने में बेच दिया और क्या फिगर है, आज तक कुछ नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की एम्स हॉस्पिटल के बाद होर्डिंग लग जाते हैं तो क्या वो एम्स हॉस्पिटल केजरीवाल जी का हो गया क्या, अगर रेलवे में एडवर्टाइजमेंट कंपनियां अपनी फोटो लगा लेती है तो वो एडवर्टाइजमेंट कंपनियों की रेलवे हो गई क्या, एक सुई भी सुनील जी रेलवे की एक सुई भी नहीं बेची है, प्राइवेट कंपनियों को सफाई के ठेके दिए गए हैं। आज रेलवे में देखो कितनी सफाई हो रही है, आज रेलवे में देखो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सुनील जी इनको चुप करा लीजिए, जब बोलेंगे तो मैं 24 घंटे बोल सकता हूँ, इनसे ज्यादा क्षमता है मेरे को बोलने की, ये तरीका बिल्कुल गलत है इनका, अपनी बारी में बोलिएगा फिरोज जी, अपनी बारी में बोलिएगा नहीं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा।
सुनील जी ये गलत बात है बिल्कुल, मैं इनके बीच में भी बोला था। एक एक करके सर अगर ये बोलेंगे तो मैं उनको बोलने दूंगा, मेरे मन से दस गुना ज्यादा कंटेंट। ठीक है सर, ठीक है, पवन जी को फिर आपके पास आते हैं सर। मुझे पता है 1953 से कांग्रेस चालू हुई थी भ्रष्टाचार करने में, देश के बहुत घोटाले में सारी कांग्रेस तोड़ उठा रही थी। गोल्डन मेल गेम घोटाले में 17 रुपए का टिश्यू पेपर 1700 रुपए का बेचा था। पी चिदम्बरम ने अपने अपने घर के बाहर जिया उगाई थी 1400 रुपए की बेची थी। ये घोटाले आपके नाम है, वो लोगों को आपके जीजा जी DLF ने 85 करोड़ रुपए का लोन ब्याज मुक्त दे दिया। 2013 के अंदर नेशनल हजार कंपनी बनी थी 1939 में, 2013 में उस कंपनी को बंद कर दिया। 100 करोड़ रुपए की देनदारी आज भी है, जिसके ऊपर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जमानत से बात कर रहे हैं। सुनील जी जमानत में वही भार होता है जो आरोपी होता है, जमानत आपके और मेरे ऊपर नहीं है, जेल पे वही भार होता है जिसके ऊपर आरोप होते हैं। आप तो देश दीजिए 2013 में 1997 से लेकर 2013 तक राफेल आ रहा है 2014 में मोदी भी आ गए और राफेल भी आया। ठीक है पवन जी, ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। कांग्रेस के हमारे से प्रवक्ता नेता जी हमारे फिरोज जी जुड़े हैं। फिरोज जी सुना आपने पवन जी को, जवाब दीजिए एक एक करके सर, ऐसे समझ में नहीं आता सर, एक एक करके बोला कीजिए जी। फिरोज जी आप नहीं बोलेंगे फिरोज जी, कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन लेकर आएंगे विदेश से 15 लाख रुपए कौन बता लेंगे। आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ और अमित शाह जी एक नेशनल चैनल में बैठ के बोलते हैं वो तो जुमला था, हम लोग जुमला देते हैं, नौकरी भी नहीं देंगे, पैसा भी नहीं देंगे, कुछ देंगे। अभी उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है बालासोर के पास, वहां पर ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जो पहली बार पूरी दुनिया में कहीं पर हुआ है। और जब परिवार के लोग अगर दिल्ली से कोई उड़ीसा जाना चाह रहा था, भुवनेश्वर जाना चाह रहा था तो 50,000 का टिकट सुनील जी मुझे मौका दे दूंगा मैं आपके पास आऊंगा सर अडानी ने खरीद लिया है, बहुत सारा एयरपोर्ट खरीदा है, बहुत सारा ट्रेन खरीदा है, आज कितना दूर तक चला गया मामला इसको देखने वाला कोई नहीं है। आज अजीत पवार के ऊपर गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा था, गिरफ्तारी का कड़ी लटक रहा था, अजीत पवार छगन भुजबल और 7 मंत्री के ऊपर जो फट के जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। जहां तक बीजेपी में शामिल हो जाओ आपको कुछ होने वाला नहीं है, बीजेपी में शामिल होकर पूरा महाराष्ट्र को लूट लो और कोई देखने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं लेकिन फिरोज जी अब ये आपकी विपक्षी एकता कैसी रही जिसमें खुद फूट पड़ गई। पवन जी मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? बिल्कुल मिल रही है, आपने फिरोज जी से पूछा था। हाँ अच्छा, मैं फिरोज जी से कह रहा हूँ, फिरोज जी आवाज मिल रही है जी? अब आपकी विपक्षी एकता कैसे रहेगी? आप विपक्षी एकता का बड़ा माह आप लोग डंका बजा रहे थे, अरविंद केजरीवाल वो नाराज दिख रहे हैं ऑर्डिनेंस पे, यह देखा जा रहा है आज अजीत पवार आज इसमें शामिल हो गए एनडीए में, तो कैसे आप मोदी जी को रोकेंगे 24 में? नहीं नहीं देखिए आपको टूट चुके हैं सर जी जी जी, पटना में जो नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता मीटिंग हुई थी वहां पर तय किया गया है यदि कोई भी प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं रहे हम लोग शिमला बैठेंगे, आज सब जगह बैठक होगी। अभी लालू जी ने तो कहा था कि दूल्हा बन जाओ राहुल से बराती हम बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये बोलना लालू जी ने कहा, लालू जी का सम्मान करता है वो प्राय नेता मनोवी नेता है और लालू जी ने बीजेपी को रेल मंत्रालय को कहां से कहां तक पहुंचाया था ये भूलने की बात नहीं है। ऑक्सफोर्ड में भी बुला करके उनको इंटरव्यू लिया गया था, ऑक्सफोर्ड में भी स्टूडेंट को उन्होंने बताया था, लेकिन आज रेल कहां जा रही है, 3-3 ट्रेन एक साथ टकरा जा रहा है, कैसा सिस्टम था। एक तरह आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं कि लोकल ट्रेन नहीं चल पा रहा पटरी में, जो 12-12 घंटे ट्रेन लेट चल रहा है उसको देखने वाला कोई नहीं है। गर्मी में पटरी टेढ़ा हो जा रहा है, दिखाया आती नहीं तो चैनल में दिखाया गर्मी पटरी सब टेढ़ा हो गया, बताइए। लेकिन फिरोज जी मेरा सवाल तो साहब आपसे यही, आप इसका जवाब नहीं दे रहे कि फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है जो आप बड़ा डंका बजाता गाजे बाजे के साथ कि पटना में मीटिंग हुई लेकिन जो लोग उसमें गए वो कुछ दिन बाद ही देखिए जो हालात हैं आपके सामने हैं सर। देखिए अभी जो है ना
ये तो जो लोग भागे हैं ये डर से भागे, ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, तो अभी और भागे हैं क्या? अभी और भागेंगे उसमें से? आपके छगन भुजबल और जो सात मंत्री गए हैं आज, कौन कौन भाग सकता है सर अभी? और कहीं हम लोग को फिर से अंदर नहीं जाना पड़े? अरे हम लोग का राहुल गांधी शेर है, कितना कितना घंटा पूछा ईडी ने बुलाकर दिल्ली में, सोनिया गांधी जी को बुलाया, बीमार महिला तो महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, बीमार महिला, मैं भी वही था ईडी ऑफिस में, बुलाकर 8-8 घंटा, 12-12 घंटा, 16-16 घंटा पूछने का काम किया ईडी ने, आखिर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। उसी तरीका से ये लोग, जो डरेगा वो मरेगा, जो डरेगा उसको मरना है। अजीत पवार जीत कराएंगे क्या दोबारा? पवन जी सुन रहे हो आप, एक सेकंड मैं आ रहा। पवन जी, पवन जी डरा रहे हो आप, जो डरेगा वही भागेगा, तो कौन को, किस किस को डरा रहे हो आप? बिल्कुल ठीक कहा आपने, पवन विधायक चुप हो जाइए, पान साहब चुप हो जाइए, मेरा नंबर है, ये लोग सब लोग आ रहे हैं, जनता देख रही है। हाँ पवन जी अपनी बात रखिए आप, इतने सारे मीडिया चैनल हैं सबके ऊपर, जब ये कर्नाटक और हिमाचल नहीं जीते थे ना, या झारखंड, राजस्थान, जब तक विपक्ष जीता नहीं था तो मीडिया को गोदी मीडिया, इलेक्शन कमीशन को भिका हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जब राम मंदिर का फैसला था वो भारतीय जनता पार्टी की चिड़िया तोता है, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते थे। कहने का मतलब इनको देश की जांच एजेंसियों पे, देश की इलेक्शन कमीशन पे, देश की सुप्रीम कोर्ट पे किसी पर विश्वास नहीं है। अगर इनके हिसाब से, इनके तरीके से कोई फैसला आए, ये जीते जो स्टेट तो ईवीएम ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जीते तो ईवीएम खराब है, राम मंदिर के फेवर में आ जाए तो वो मिला हुआ है, इनके फेवर में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है। दूसरी बात, अभी इन्होंने रेलवे पे सवाल उठाए थे, 2016 से लेकर 2021 तक 813 नई ट्रेनें, 2025 तक 75 नई वंदे भारत जो 160 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। जो कांग्रेस 80 से ऊपर ट्रेन नहीं चला पाई, आज वो 160 किलोमीटर से चल रही है। तीसरी बात, रेलवे की सुई भी नहीं बेची है। चौथी बात, जिस अडानी अडानी को चोर कह रहे हैं ना, उसी अडानी को राजस्थान में हमने ठेके दिए हुए हैं। जिस अडानी को एक चोर कह रहे हैं ना, महा अगाड़ी गठबंधन में महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने उस अडानी को ठेके दिए थे। जो आम आदमी पार्टी पंजाब में चोर कह रही थी ना, उसी पंजाब के अंदर अडानी को ठेके दिए हुए हैं। आप झूठ तो मत बोलिए, अडानी इतने ही बेईमान है तो फिर आप उन्हें ठेके क्यों दे रहे हो अपनी सरकारों में? मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। आप ये देखो सुनील जी, ये कह रहे हैं भाजपा ने किया क्या, मैं बता रहा हूँ, भाजपा ने 23 चेंज कर दिए, भाजपा ने 12 किलोमीटर से 38 किलोमीटर हाईवे कर दिए, भारत ने भाजपा ने पांच शहरों से 20 शहरों के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट कर दी, भाजपा ने बंद पड़े हुए डोमेस्टिक एयरपोर्टों को चालू कर दिया, भाजपा ने 800 रुपए में एयर यात्रा दे दी गरीबी यात्रा करता, भाजपा ने 2 लाख का बीमा कर दिया, भाजपा ने 5 लाख का मेडिक्लेम कर दिया, भाजपा ने 4 करोड़ लोगों को घर दे दिए, भाजपा ने 12 करोड़ महिलाओं को गैस चूल्हा सिलेंडर दे दिए, भाजपा ने महिलाओं के लिए 12 करोड़ शौचालय बना दिए, भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर कर दी, भाजपा ने 6 लाख का रक्षा बजट कर दिया, भाजपा ने वो राफेल ला के दिखाया है जो आपके 2012 में एंटनी कहते थे हमारे पास चार्टर्ड प्लेन के पैसे नहीं है, भाजपा ने MiG-21 ला के दिखाया है, भाजपा ने इंटरनेशनल में आज तिरंगा फहरा के दिखाया है, भाजपा ने कश्मीर में तिरंगा फहरा के दिखाया है, 1940 से लाल झंडा पहनता था। सुनील जी, भाजपा ने VIP कल्चर खत्म किया है, भाजपा ने अलगाववादी नेताओं को जेल में डाला है, भाजपा ने अलगाववादी नेताओं की 2000 करोड़ रुपए की सारी सहायता राशि बंद करी है, भाजपा ने सारे नेताओं को समान किया है, भाजपा ने 600 कानून रद्द कर दिए जो बेकार के थे, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होता था सरकार का, भाजपा ने एक आदमी को सेल्फ असिस्टेंट कर दिया कि आज आपको किसी गस्टर्ट ऑफिसर के साइन की जरूरत नहीं है, आपके साइन ही गस्टर्ट ऑफिसर के साइन होंगे, भाजपा ने ये करके दिखाया। सुनील जी, जी जवाब दीजिए कांग्रेस के, फिरोज जी। फिरोज जी, जी बोलिए सर आप, फिर मैं जाऊंगा शैलन जी के पास और मनीष जी के पास। पवन जी बहुत प्यारा प्यारा झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने PhD हासिल किए हुए हैं भाजपा के लोग, सब लोग एक से एक कलाकार लोग हैं, इसमें कलाकारी की कमी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पवन जी आप बहुत प्यारा झूठ बोल रहे हैं, बहुत अच्छा झूठ बोल रहे हैं, और आपकी बातों, और आप तो छगन भुजबल ईमानदार हो गए होंगे, बताइए अजीत पवार ईमानदार हो गए होंगे, और सातों मंत्री ईमानदार है, आप तो उनके ऊपर कोई छापा नहीं पड़ेगा, कोई छह महीने के अंदर अजीत पवार हो चाहे छगन भुजबल। मैं आ रहा हूँ मनीष जी आपके पास, आ रहा हूँ सर जी। फिरोज जी आपने बोल लिया, मैं मनीष जी फाइनल कमेंट दीजिए सर आप।
में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता को सुन रहा था, फिरोज खान लगातार एक ही बात चिल्ला रहे थे, वॉशिंग मशीन हो गई, अब वो बेईमान नहीं रहे, रहे नहीं रहे, पहले बेईमान थे नहीं थे। मेरा इसमें निवेदन ये है, कांग्रेस तो एनसीपी है नहीं, एनसीपी के अंदर क्या चल रहा है इस पे जाहिर बेटर है कांग्रेस की जगह एनसीपी के नेता कुछ कहें। आप लेकिन सर दोस्त तो हैं उनके, दोस्त तो हैं सर, ये बात तो कहेंगे ना आप। हाँ दोस्त हैं लेकिन है ना, बेहतर मीडिया में कोई बेहतर लॉजिक लाएं भाई। मानो ये तो बात तय है कि कांग्रेस की सरकार होती है, ये महाविकास अघाड़ी की सरकार होती तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी ही नहीं थी। अब अगर इनकी कार्रवाई इनके खिलाफ है, मानो ये बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, नहीं है, इनको फैसला ईडी को करने दें। फिलहाल तो आप ये माने कि ये आपका साथ छोड़ कर निकल गए हैं। और कांग्रेस की स्थिति अब देश में ऐसी है, महाराष्ट्र में ऐसी है कि मानो इनकी बैसाखी को किसी ने तोड़ दिया। तो एनसीपी न केवल खुद टूटी है, राहुल गांधी की उम्मीदें भी टूटी है। और जिस तरीके से राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने के दावे को जिस तरीके से हवा में उड़ाया है, मुझे लगता है अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो राहुल गांधी जी के जो महीनों की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो कहीं फ्लॉप ना हो जाए। तो ऐसे में अब ये जानना बड़ा रोचक होगा कि कांग्रेस इसको कैसे हैंडल करती है। और इस तरीके से कांग्रेस के नेता जो सिर्फ ये भ्रष्ट भ्रष्ट ना भ्रष्ट अब करें अब साफ हो गए, ये करने से बात नहीं बनेगी। कोई जमीनी स्तर पर कोई बढ़िया सा डिफेंस लाना पड़ेगा, आपका डिफेंस बिल्कुल कमजोर है साहब जी। सुना फिरोजी, सुना आपने मनीष जी को कि आपको बहुत स्ट्रांग डिफेंस लाना पड़ेगा मोदी जी को रोकने के लिए? मैंने मनीष जी की बातों को सुना है जी सर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मनीष जी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक भी बड़ा नेता का नाम बता दिए ईडी ने बीजेपी वाले के छापा मारा है, एक भी बड़ा नाम बता दिए। अच्छा एक बताइए, इसने कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के नेता पर छापा मारा हो। आपके यहाँ से तो भ्रष्ट नेता ऐसे थे कि रुपये जमा कराने 1 करोड़ बैंक में पहुंच गए झारखंड में। आप जब चाहो जजों को हटा दो, जब चाहो जजों को मंत्री बनाओ, फिर उन्हें वापस राष्ट्रपति बना दो, जजों पर महाभियोग लगाओ, जजों को डराओ, न्यायपालिका को डराओ, ये बातें कांग्रेस भाई में ये अच्छा नहीं लगता। आपकी बात में दम है, राहुल गांधी अच्छे नेता है लेकिन आपके तरीके जो डिफेंस है नहीं है, नहीं 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 बिल्कुल कमजोर डिफेंस है, बहुत इस्तेमाल करो। लेकिन आप से मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक चीज बता दीजिए मंत्री का नाम भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, मतलब आपका ये अगर आप ये कह रहे हैं भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है तो यही नहीं, लेकिन आपने क्या किया है, आपने भी वही किया है। देश की नीति में यही लिखा है, देश की नीति में यही लिखा है। लेकिन अगर कोई अपना देश विकास की लाइन पर आने के लिए अगर ये कर रहा है क्या करे, आपका मकान करना ही पड़ेगा। आप लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर बता दो मुझे, चलो आप लोग मुसलमान पुष्टिकरण के फैसला करो, बताओ आप कॉमन सिविल कोड का विरोध करो और फिर कहते हो कि भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है। अरे भाजपा को जो कर रही है भाजपा को करने दो, आप तो कम से कम देश हित की बात करो। आप बताइए यूनिफॉर्म हमारे तन में बचता है, हमारे तन में बचता है, बताइए भारत माता की जय है, हम लोग देश को बताते हैं। गलत को गलत कहना होगा, गलत को गलत बोलना होगा, सही को सही बड़ा बोलना होगा। आप आइए बताइए आज जहाँ ट्रेन एक्सीडेंट हुआ भुवनेश्वर में, ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट, वहाँ 55,000 का टिकट, मैं खुद झारखंड आया रांची 25,000 का टिकट लेके, जो 5,000 का टिकट था वो 25,000। वहाँ तो ट्रेन का टिकट तो फ्री में देना चाहिए मोदी जी को, जो परिवार जाकर मिलना चाह रहा था ये देना चाहिए। बताइए ठीक है मनीष जी, ठीक है फिरोजी, ठीक है सर, ठीक है। शरण जी सुन रहे हैं मुझे आप? शरण जी आवाज मिल रही मेरी? बिल्कुल। सुना आपने हमारे सभी गेस्टों को? बहुत अच्छे से जी सर। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि शरद पवार बहुत ही मंजे हुए, परिपक्व, एक्सपीरियंस, कहते हैं कि उनको चोट देना बहुत मुश्किल काम है, उनकी रणनीति को कोई समझ नहीं पाता था, लेकिन जो आज अजीत पवार ने किया
क्या क्या आगे वाले आने वाले भविष्य में देखा जा सकता है, और कहीं ना कहीं आज उनको बड़ा ये होगा कि मेरे भतीजे ने ही मुझे ठग लिया। देखिए तो हम लोगों को लग रहा है, आज उनका वक्तव्य मैं सुन रहा था तो मराठी में तो बोल रहे थे लेकिन उसका जो हिंदी मिलान था उसके अनुसार उन्होंने कहा कि न तो घर टूटा है ना ही पार्टी टूटी। जितने आश्वस्त भाव से कह रहे थे उससे एकदम क्लियर था कि इन सब घटनाओं से। शरण जी इसमें एक सवाल और, एक मेरे मन में सवाल और आ रहा, फिर आप डिस्क्राइब करना। अब मुझे सिंबल का खतरा दिखाई दे रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके साथ सांसद भी हैं, विधायक भी उनके साथ हैं और वो आने वाले टाइम में उसी सिंबल से इलेक्शन लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शिवसेना के साथ देखा गया था सिंबल को लेकर, तो एनसीपी के साथ भी क्या वो हालात बन सकते हैं? वैसे तो इनके साथ ये हालात नहीं बनना चाहिए क्योंकि एनसीपी का जन्म और उसकी स्थापना, हर तरह से उसका विस्तार, उसकी मजबूती, उसकी पहचान में एक ही नाम है, वो है शरद पवार। तो अगर शरद पवार खुद जीवित हैं और वो अभी एक्टिव भी हैं, ठीक है उनका चेहरे पर प्रॉब्लम आई है लेकिन बाकी हर तरह से वो एक्टिव है, तो नेतृत्व जो करता, लीडर जो होता है, उसके लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं है दोबारा तुरंत एक उस तरह से आउटफिट क्रिएट कर देना। और उन्होंने जो एक लाइन बोली है कि न तो घर टूटी है न पार्टी टूटा है, और नए कार्यकर्ताओं के साथ, नई टीम के साथ हम आएंगे, इसका मतलब ये है कि वो जान रहे थे कि जो हमारे पुराने लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सब इतने आकंठ फंसे हुए हैं मसलों में कि उनको निकलने के लिए सत्ता का सहारा चाहिए। अब अगर इसको ये इस रूप में मिल जा रहा तो ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो है देखा जाएगा। तो कहीं कहीं तो उनकी एक या तो शिकारोक्ति कह लीजिए या आत्मसमर्पण या मजबूरी का भाव, और उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखने के लिए उन्होंने कहा नए टीम के साथ हम आएंगे। अब दूसरी चीज इसमें यह भी ध्यान रखनी होगी हम लोगों को, वो ये कि महाराष्ट्र में जो एनसीपी के नाम पर कांग्रेस को एक सपोर्ट मिला हुआ था, मास के समर्थन का, वहां के लोकल लोगों का, उसमें थोड़ी कमी आई होगी, वो थोड़ा सा उनके लिए झटका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पवन जी आपका, फिरोज जी आपका, शलन जी आपका और मनीष जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि आज जो महाराष्ट्र में हुआ उस पर हर जगह चर्चा है, अब सवाल इस बात का निकल कर आता है कि आगे चलकर शरद पवार क्या करेंगे। सवाल इस बात का भी निकल कर आता है कि जो विपक्ष नरेंद्र मोदी को 2024 में रोकने की बात करता है लेकिन उनके विपक्ष के नेता ही अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं, तो क्या है 2024 में नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे? और सवाल ये भी निकल कर इसमें आता है कि जिस पर ईडी छापेमारी जांच कर रही थी अमित, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, अब एनडीए में शामिल होने के बाद क्या वो धूमिल हो जाएंगे या जांच होती रहेगी, सवाल ये भी है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।